हम एक और बहुत लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस को रोकेंगे कुछ क्षण अपने ही भीतर और फिर इस सांस को भी रिलीज कर देंगे। दिन में जो भी घटा उससे अपने आप को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर लें। यहीं आ जाएं वर्तमान के क्षण में अपने ही साथ। भीतर की आंखों से देखें अपने वजूद को, अपने होने को। इस समय शायद जो काम आप घर के कर रहे थे या जैसे अभी, वैसे ख्याल शायद आपके भीतर चल रहे होंगे। सिर्फ भीतर की आंखों से देखें अपनी आंखों के आगे जो एक काला पर्दा है उसकी तरफ देखें। क्या यहाँ पर कोई विचार है? आप जान पाएंगे कि जितना ही आप विचारों को देखने की कोशिश करते हैं, विचार अपने आप ही गायब हो जाते हैं। भीतर की आंखों से देखें अपने पैरों को और भाव करें कि एक बहुत गहरी रिलैक्सेशन आपके पैरों के ऊपर छाती जा रही है। अब भीतर की आंखों से देखें अपनी टांगों को आप बहुत शांत और रिलैक्स होते जा रहे हैं। कोई भी तनाव नहीं टांगों में, बहुत शांत और रिलैक्स होते जा रहे हैं। अब भीतर की आंखों से देखें अपनी बॉडी के मध्य भाग को और देखें कि एक बहुत गहरी रिलैक्सेशन। आपकी बॉडी के मध्य भाग पर भी है, छाती, पेट, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, स्प्लीन, ऑल द इनर ऑर्गन्स आर बिकमिंग वेरी वेरी रिलैक्स्ड। भाव करते हैं कि यह रिलैक्सेशन थोड़ी और ऊपर बढ़ती जा रही है। भीतर की आंखों से देखें आपके शोल्डर्स, गले को, चेहरे को, बालों को और महसूस करें कि एक बहुत अद्भुत शांति आपके ऊपर छाती जा रही है। पलकें भारी होती जा रही हैं, बॉडी से कंट्रोल छूटता जा रहा है। हाथों और पांव की मसल्स भी बहुत रिलैक्स हो गई हैं।
अब मैं आपको जैसे जैसे इमेजिन करने के लिए बोलूंगी, आप वैसा वैसा इमेजिन करते जाएं। देखिए, आपकी जिंदगी का एक आम दिन है। आप अपने घर के कामों की प्लानिंग में, अपनी जिंदगी के कामों की प्लानिंग में लगे हुए हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, खाना भी बनाना है अभी, और भी बहुत सारे काम जो आप डेली रूटीन में करते हैं, उन सब कामों की प्लानिंग आपके भीतर चल रही है। बिल्कुल घर के रिलैक्स्ड कपड़ों में आप बैठे हुए हैं। तभी आपके मोबाइल पर एक घंटी बजती है, आप फोन उठाते हो और आपकी एक बहुत क्लोज फ्रेंड का फोन है। वो आपसे कह रही है कि आज मौसम बहुत अच्छा है, चलो हम घूमने चलते हैं किसी नदी के पास या बीच के पास, जो भी आपके घर के करीब लोकेशन में हो। आप अपनी फ्रेंड को बोलते हैं, नहीं नहीं मुझे बहुत काम है, आज आज नहीं होगा। फिर वो आपको इंसिस्ट करती है कि नहीं चलो, आज खास दिन है, मौसम भी बहुत अच्छा है, ये जिंदगी तो ऐसे ही चलती रहती है। तो आप उसे बोलते हैं कि ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे 30 मिनट्स दो, मुझे जो ज़रूरी काम करने हैं मैं उनको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो आप बहुत भाग भाग के अपने कामों को कर रहे हैं। देखिए अपने आप को, लगभग 30 मिनट्स में आपने अपना घर छोड़ा और आप उस लोकेशन पर जा रहे हैं जहाँ पे आपकी फ्रेंड ने आपको बोला था जाने के लिए। और रास्ते में भी जब आप जा रहे हैं, आपके दिमाग में चल रहा है कि मैंने गैस ऑफ कर दी थी क्या ठीक से। दिमाग में चल रहा है, मैंने ठीक से लॉक कर दिया था, क्योंकि आपने बहुत जल्दी जल्दी में घर छोड़ा है। बिल्कुल रिलैक्स कैजुअल वेयर में आप चप्पल पहन के जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या जल्दी पड़ी थी इसे इतना जल्दी मिलने की। चलिए, आप अपने व्हीकल से, अपनी टैक्सी से, या कैसे भी, जहाँ पर भी आपकी फ्रेंड ने आपको बुलाया है, आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं। आपकी फ्रेंड ने पहले से ही दो कुर्सियों का इंतज़ाम किया हुआ है। और आप जाकर उसके साथ बैठ जाते हैं समुद्र के किनारे। कुर्सी पर बहुत ही खूबसूरत यह पूरा सीन है। मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है और समुद्र के किनारे आप कुर्सी पर अपनी फ्रेंड के साथ बैठे हुए इस पूरे विस्तृत फैले हुए समुद्र को देख रहे हैं। हवा चलती हुई आपके बालों को छू रही है। जो कि आपको बहुत सुकून दे रही है ये ठंडी हवा।
इस बहुत ही खूबसूरत समुद्र को देखते हुए एक बेहद गहन शांति आपके भीतर उतरती जा रही है। और आप बैठे हुए बस यूं ही एंजॉय कर रहे हैं इस बहुत खूबसूरत सीन को। लगभग शाम के 4 बजे का समय है। सूरज की गर्मी भी ढल चुकी है, लेकिन अभी सनसेट भी नहीं हुआ। एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटिफुल अराउंड यू। समुद्र की लहरें बहुत तेज हैं आज, हाई टाइड है। आप अपनी फ्रेंड से कहते हैं कि चलो पानी में चलते हैं। फ्रेंड कहती है, नहीं बाहर ही बैठते हैं किनारे पे, लेकिन आपका मन है पानी में जाने का, तो आप बिल्कुल किनारे किनारे चलने लगते हैं। बाहर हवा ठंडी है, लेकिन पानी थोड़ा वार्म है। आपको बहुत अच्छा लग रहा है ये पानी, और आप सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ मैं आ गई आज अपने फ्रेंड के साथ। समुद्र के किनारे किनारे आप चल रहे हैं, और ठंडी हवा फिर से आपके शरीर को सहला रही है, टच कर रही है। यह पूरा सीन आपके लिए बहुत ही एंजॉयबल है। और दूर बैठी हुई आपकी फ्रेंड आपको देख रही है कि आप पानी को एंजॉय कर रहे हैं। आप दूर से उसे वेव करते हैं कि तुम भी आ जाओ पानी में, लेकिन वो कहती है, नहीं मैं यहीं पर ठीक हूँ। थोड़ा किनारे किनारे चलते हुए आपके मन में भाव होता है कि मैं थोड़ा इसमें अंदर जाऊं पानी में। और आप थोड़ा भीतर की तरफ पानी के समुद्र के अंदर की तरफ गहरे में जाना शुरू करते हैं। और अब आप लगभग इतने गहरे पानी में हैं कि जैसे शायद आपके टांगों तक पानी आ गया है, घुटनों से थोड़ा नीचे, लेकिन आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं ये पूरा सीन। और आपकी फ्रेंड आपको दूर से वेव करती है, बुलाती है कि वापस आ जाओ। आप उसे इग्नोर करके अंदर की तरफ जाते रहते हैं। एवरीथिंग इज वेरी मिस्टिकल एंड ब्यूटिफुल। दूर तक फैला हुआ समुद्र और किसी भी व्यक्ति का नामो निशान वहां पर नहीं है। यू आर एंजॉइंग योर अलोननेस इन दैट ब्यूटिफुल बीच।
अब आपका मन कर रहा है कि इन समुद्र की लहरों के ऊपर थोड़ा सा और खेला जाए, बैठ जाया जाए। आप इन लहरों के ऊपर बैठ जाते हैं और आप भूल जाते हैं कि आप कितनी जल्दी से यहां पर आए थे, आपको कितनी जल्दी थी। और वो सब बातें आप भूल कर सिर्फ इस पानी के ऊपर लेटना, एंजॉय करना चाहते हैं। आज आप सारी एप्रिहेंशंस, सारी जिंदगी की जद्दोजहद को छोड़ के सिर्फ पानी को एंजॉय करने जा रहे हैं। तो इस पानी के ऊपर आप लेट जाते हैं। पानी के ऊपर लेटने का यह अनुभव बहुत शांत कर देने वाला है, रिलैक्स कर देने वाला है। आपने अपने आप को छोड़ दिया है, अपने आप को पानी को समर्पित कर दिया है। जैसे बाहर का जल भीतर के जल से मिलकर एक हो रहा है, इतना रिलैक्स आप महसूस करते हैं। तभी अचानक एक हाई टाइड आती है, एक हाई वेव आती है। और आप बहुत तेजी से इस पानी के साथ भीतर और समुद्र की तरफ बहने लगते हैं। आप कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं कि मेरे हाथ में कुछ आ जाए, लेकिन आप कुछ भी पकड़ पाने में सक्षम नहीं। आप खड़ा होने की कोशिश करते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। You have come very deep and far into this beach now. एक और बहुत तेज हाई वेव आती है और आप पानी के बीच में डूबने लगते हैं। आप अपने बचाव के लिए सब तरह के हाथ पैर मारते हैं, लेकिन कुछ भी पकड़ में नहीं आ रहा। पानी बहुत तेजी से आपको समुद्र के बीचों बीच बहाकर लेके जा रहा है। आपको सफोकेशन होने लग गई है। पानी आपके नाक में जा रहा है, आपके मुंह के अंदर जा रहा है। यू आर वेरी अनईजी। आप कैसे करके अपना हाथ उठाते हैं, अपनी फ्रेंड को वेव करते हैं। उसने भी देख लिया है कि आप पानी में बह चुके हैं। आप बहुत गहरे पानी के भीतर डूबते जा रहे हैं और बस डूबते जा रहे हैं। पानी ने पूरी तरह से आपको अपने आगोश में ले लिया है।
इस क्षण में जब आपको लग रहा है कि शायद ही आप बच पाएं, आप किसका स्मरण करते हैं, किसको याद करते हैं? दूर आपकी फ्रेंड भी एक लाइफ गार्ड को बुला चुकी है और वह लाइफ गार्ड तेजी से आपकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है, लेकिन आप बहुत गहरे समुद्र में डूबते जा रहे हैं और एक बहुत गहरी घाटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। एक ऐसा समुद्र जिसकी अनंत ही गहराई है। आप पूरी तरह से इस समुद्र में डूब चुके हैं। देखिए अपने आप को पूरा पानी के नीचे सबमर्ज होते हुए। लाइफ गार्ड बहुत तेजी से आपकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। और वह आके आपको पकड़ लेता है और आपको बहुत तेजी से इस पानी से बाहर वापस लेके जाने का प्रोसेस वह शुरू कर देता है। आप लगभग पानी में डूब चुके हैं और आपकी हालत काफी खराब है, लेकिन आपके आसपास जो भी हो रहा है उसे आप महसूस कर पा रहे हैं। लाइफ गार्ड बहुत तेजी से आपको खींचकर वापस किनारे की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन आप जान चुके हैं कि आप शायद ही बचेंगे। आपके शरीर को लाकर समुद्र के किनारे रखा गया है। आपकी सांसें अभी चल रही हैं। आप याद करते हैं दिन का वो वक्त जब आप अपने घर के कामों में उलझे हुए थे और आपको लगता है कि शायद यह जीवन मैंने वेस्ट ही कर दिया। आप सोचते हैं कि शायद मुझे कुछ समय और मिल जाए तो मैं इस जीवन को पूरी तरह से जीऊंगी। देखिए आप क्या सोचते हैं इस क्षण में कि जीवन की क्या दिशा होनी चाहिए थी।
देखें किस तरह का जीवन आपको जीना चाहिए था। मृत्यु के इस क्षण में सब कुछ साफ साफ आप देख पा रहे हैं। देखें आप क्या गलतियां कर रहे थे इस जीवन में। जब आज मृत्यु इतनी करीब है तो देखें आपको कैसे अपनी फैमिली मेंबर्स और जो लोग भी आपसे एसोसिएटेड हैं कैसे उनके साथ रहना चाहिए था। चलिए आपके पेट को दबाकर आपके पेट में जो पानी भर गया है उसको निकाला जा रहा है। आपकी फ्रेंड बहुत ही दुखी है, उसने इमरजेंसी को फ़ोन कर दिया है, एम्बुलेंस आती ही होगी। पर आप जान चुके हैं कि आप शायद इसमें नहीं बचेंगे। देखें किस चीज़ को लेके आपको बहुत अफसोस है अपनी ज़िंदगी में। आपकी मृत्यु हो चुकी है और यह जो जीवन था जैसा था यह समाप्त हुआ।
और आप शरीर से बाहर अपने शरीर को पड़ा हुआ देख रहे हैं। आप यकीन नहीं कर पा रहे कि ऐसा भी हो सकता है। सीन बदलता है, आपकी पूरी फैमिली आ चुकी है। और वह आपके शरीर को लेके जा रहे हैं। वो भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे कि आप इस शरीर में नहीं हैं, लेकिन आप ऊपर से सारा सीन देख रहे हैं। और आपके शरीर को घर के बीचों बीच रखा गया है। और सब बहुत रो रहे हैं। दे प्रॉबेबली वर नॉट रेडी फॉर दिस। आपकी जान पहचान के लोग भी आपके अंतिम दर्शन को आने लग गए हैं। और आप बाहर से यह पूरा सीन देख रहे हैं। इस मुकाम पर आप सोच रहे हैं कि मुझे जीवन कैसे जीना चाहिए था। आपको क्या करना चाहिए था, आप यही सोच रहे हैं, जिससे शायद आपका जिंदगी फुलफिलिंग होती। आपके अंतिम दर्शन में आए लोग भी आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आप किस तरह के व्यक्ति थे। सुने उनकी कॉन्वर्सेशन कि वो आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। एक एक करके उनका चेहरा देखें। आप सबको जानते हैं।
जिंदगी के इस मुकाम पे, जब आपके पास अपना शरीर भी नहीं रह गया, आपको कैसे जीवन जीना चाहिए था? सोचें फिर से। आप अपने बारे में क्या सुनना चाहेंगे अपने जान पहचान के लोगों से? अब आपके शरीर को एक सफेद कपड़े में लपेटकर लेके जा रहे हैं। देखें अपनी अंतिम यात्रा। इस मुकाम पर आप जानते हैं कि आपके बिना भी वह जी लेंगे। शायद कुछ दिन रोएंगे, दुखी होंगे, लेकिन फाइनली आपके बिना भी यह जीवन वैसा ही चलता रहेगा। जिंदगी के सब काम चलते रहेंगे, पैसों का इंतजाम भी होता रहेगा, घर के काम भी वैसे ही होते रहेंगे। इस क्षण में आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मुझे एक मौका और दो। मैं इस जिंदगी को वैसे ही जीऊंगा जैसे मुझे जीना चाहिए। बहुत भीतर से, प्राणों से यह प्यास, यह पुकार निकल रही है कि हे ईश्वर, मुझे एक मौका और दो। और ईश्वर ने आपकी पुकार सुन ली है,
अचानक एक बिजली सी चमकती है और आप वापस अपने शरीर में वापस लौट आते हैं। ईश्वर ने आपको समझिए एक मौका और दिया है फिर से उसी जीवन को जीने का जिसे शायद आप फॉर ग्रांटेड लेते थे। आप ईश्वरीय शक्तियों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आपका जीवन लौटाया और अपने भीतर प्रण लेते हैं, मैं इस जिंदगी को वैसे ही जीऊंगा जो कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं फिर से वही गलतियां नहीं करूंगा। आपकी बॉडी में हलचल होती है और सब लोग इस हलचल को ऑब्जर्व करते हैं। आपको वापस आया देखकर वो बहुत खुश होते हैं। और आपको वापस अपने गले से लगा लेते हैं आपकी फैमिली मेंबर्स। यू आर वेरी हैप्पी टू कम बैक बट दिस टाइम यू आर डिटर्मिंड टू लिव योर लाइफ द वे इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू यू। You are a new person. ईश्वरीय शक्तियों को धन्यवाद देते हुए जब आपके लिए संभव हो अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रगड़ें। और जब आपके लिए संभव हो बाएं करवट लेकर बैठें और इस ध्यान से